हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मिस्टर फैंटास्टिक। आज हम लोग एक चिकन करी की रेसिपी बनाएंगे, लेकिन ये रेगुलर चिकन करी की रेसिपी से थोड़ा डिफरेंट है। ये चिकन करी की रेसिपी बनाने के लिए आप लोगों को ना अलग से कोई प्याज को फ्राई करना पड़ेगा और ना अलग से कोई मसाला को भूनना पड़ेगा। ये रेसिपी बहुत ही सिंपल और ईजी है। तो अगर आप स्टूडेंट हो जो कि घर से बाहर रहते हो, या फिर बैचलर हो, या फिर कोई भी जो कि किचन में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हो, ये रेसिपी आप लोगों के लिए है। ये इजी और सिंपल चिकन करी की रेसिपी को एंड तक देखकर घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे सेट कर दीजिए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज का इजी और सिंपल चिकन करी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 700 ग्राम चिकन ले लिया है। मैं ड्रमस्टिक्स यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप लोग विद बोन कोई भी चिकन का पीसेस यूज़ कर सकते हो। ड्रमस्टिक्स में अच्छे से मसाला घुस पाए, इसीलिए मैं ड्रमस्टिक्स में कट लगा दे रही हूँ। सारे ड्रमस्टिक्स में कट लगा दिया है। अब ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून नींबू का रस, 1 खलबट्टे में 6 से 7 लहसुन और 3 से 4 हरी मिर्च लेकर थोड़ा क्रश कर लेंगे। हरी मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। यहाँ पर जो लहसुन मिलता है उसका साइज बड़ा रहता है, लेकिन आप जो लहसुन यूज़ कर रहे हो वो अगर छोटा है तो क्वांटिटी डबल कर दीजिएगा। ऐसे लहसुन और हरी मिर्च को दरदरा कूट लेना है। कूटा हुआ लहसुन और हरी मिर्च चिकन के ऊपर डाल देंगे। ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट। अब मैं 2.5 कप स्लाइस किया हुआ प्याज डालूंगी। 700 ग्राम चिकन के लिए मैं यहाँ पर 250 ग्राम प्याज यूज कर रही हूँ। ऐड कर देंगे 3/4 कप रफली चॉप्ड किया हुआ टमाटर। धनिया का जो ये एंड वाला रूट का पार्ट होता है इसको काट कर बाकी का धनिया हम लोग पूरा यूज़ करेंगे चिकन करी में। तो अभी के लिए हम लोग यूज़ करेंगे धनिया का स्टेम्स और धनिया का पत्ता बाद में यूज़ करेंगे। 1 टेबल स्पून चॉप्ड किया हुआ धनिया का स्टेम्स डाल देंगे। मसालों में डालेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर 2 टीस्पून, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/3 टीस्पून, स्वाद अनुसार नमक और 2 टेबलस्पून सरसों का तेल। अब सब कुछ एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है। चिकन के पीसेस में मसाला अच्छे से कोट हो जाना चाहिए। मेरे पास अभी टाइम है तो 1 से 1.5 घंटा के लिए चिकन को ऐसे मैरिनेट करके रख दूंगी, लेकिन आप लोग तुरंत भी चिकन को बना सकते हो। चिकन 1.5 घंटा से मैरिनेट हो रहा है तो अब चिकन को कुक करेंगे। कढ़ाई में 1 टीस्पून सरसों का तेल ऐड कर देंगे। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा फ्लेम को मीडियम करके ऐड कर देंगे 2-3 तेज़पत्ता, 2 इलायची, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का और 2-3 लौंग। 10 से 15 सेकंड के लिए मसालों को थोड़ा भून लेंगे। मसालों से जब अच्छी खुशबू आने लगेगी तब हम लोग मैरिनेट किया हुआ चिकन कढ़ाई में डाल देंगे। सब कुछ अच्छे से एक बार मिला देंगे। अब कढ़ाई को कवर करके लो मीडियम टू मीडियम फ्लेम में चिकन को कुक करना है। बीच बीच में कढ़ाई का लिड खोलकर अच्छे से सब कुछ स्टर कर देंगे ताकि नीचे से कुछ जल ना जाए। स्टर करने के बाद फिर से कढ़ाई को कवर कर देंगे। ऐसे करते जाना है जब तक कि ना चिकन कुक हो जाए। ये चिकन करी कुक करने के लिए हम लोग कोई एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि चिकन खुद से पानी छोड़ेगा और हम लोग लो मीडियम टू मीडियम फ्लेम में चिकन को कुक कर रहे हैं तो उसी पानी में चिकन कुक हो जाएगा।
20 मिनट हो गया है हम लोग चिकन को कुक कर रहे हैं और चिकन यहाँ पर ऑलमोस्ट कुक हो गया है, लेकिन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ग्रेवी बहुत पतला है। मुझे इतना पतला ग्रेवी नहीं चाहिए तो मैं ग्रेवी को थोड़ा ड्राई करूँगी, इसीलिए मीडियम हाई हीट में 2 से 3 मिनट के लिए कंटिन्यूसली स्टर करते हुए ग्रेवी को मैंने थोड़ा ड्राई कर लिया है। आप लोग अपने प्रेफरेंस के हिसाब से ग्रेवी का कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हो। लास्ट में ऐड कर देंगे 1-2 टेबलस्पून चॉप्ड किया हुआ धनिया पत्ता और 1/4 टीस्पून गरम मसाला। गैस को ऑफ कर देंगे और 5 मिनट के लिए कढ़ाई को कवर करके रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट बाद सर्व कर देंगे। ये चिकन करी रोटी, पराठा, राइस सबके साथ बहुत अच्छा टेस्ट करता है। ये रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करके फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल में और भी कई सारे चिकन के रेसिपीज़ हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।